जैसा कि हम सबको पता है कि अभी ऑन पैसिव में माइग्रेशन का काम चालू है, जिसके कारण हम ofounder.net और इकोसिस्टम वेब पोर्टल को ओपन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑन पैसिव का ये वेबसाइट माइग्रेशन किस सर्विस के द्वारा किया जा रहा है? यानी यदि किसी बने बनाए घर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना हो, तो इसके लिए हमें इस तरह का सर्विस देने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह का सर्विस देने वाले कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह से ऑन पैसिव में जो वेबसाइट माइग्रेशन का काम चालू है, तो इस काम को करने के लिए ऑन पैसिव द्वारा किस सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऑन पैसिव में वेबसाइट माइग्रेशन का काम किस सर्विस के द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ऑन पैसिव में जो वेबसाइट माइग्रेशन हो रहा है, उसके लिए AWS सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा है। AWS का फुल फॉर्म है Amazon वेब सर्विस, और ऑन पैसिव द्वारा इसी सर्विस का इस्तेमाल करके वेबसाइट माइग्रेशन किया जा रहा है। Amazon वेब सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग दुनिया का एक टाइटन है, जो 2006 से दुनिया भर के सारे डेवलपर को अपना सर्विस दे रहा है। जिस तरह से हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में रैम, मदरबोर्ड, ग्राफिक्स, हार्ड डिस्क की मदद से कई सारे काम कर लेते हैं, उसी तरह से Amazon अपने मेगा डेटा सेंटर की हेल्प से अपने यूजर को कई सारे सर्विस देता है। और 2006 से अब तक AWS के पास अधिक सर्विस उपलब्ध है, और उसी सर्विस में से एक सर्विस है वेबसाइट माइग्रेशन का, जिसका उपयोग करके ऑन पैसिव द्वारा अपने वेबसाइट को माइग्रेट किया जा रहा है। और AWS अपने इस सर्विस को यूज करने के लिए, इस सर्विस को देने के लिए यूजर से रकम लेता है। AWS इतना पॉपुलर है कि इसका सर्विस खुद Amazon, Facebook और Netflix जैसे दिग्गज भी इस्तेमाल करते हैं। यदि किसी कंपनी को 1 GB डेटा चाहिए या फिर 1000 GB डेटा चाहिए, 1 GB रैम चाहिए या फिर 1000 GB रैम चाहिए, AWS इंटरनेट पर यूज किए जाने वाले सभी तरह का सर्विस अपने यूजर को देता है। और अभी AWS के पास कुल 325 सर्विस उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 325, और एक पेज में 1 से 15 तक का सर्विस है, और AWS के पास अभी कुल 325 सर्विस उपलब्ध है। AWS 2006 से ही अपने डेटा सेंटर में डेटा को इकट्ठा करके रख रहा है, जिसके कारण AWS के पास सबसे अधिक डेटा मौजूद है। अभी तक आपने Amazon के बारे में यही सुना होगा कि Amazon ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करता है, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि Amazon का खुद का डेटा सेंटर है और उसके पास 325 वेब सर्विस उपलब्ध है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।